गुड मॉर्निंग, बात करते हैं अपने टॉपिक की। लास्ट में टॉपिक था रैंकिंग टेस्ट टाइप नंबर एक हमने पढ़ी कुल छात्रों की संख्या ज्ञात करना, टाइप नंबर दो हमने पढ़ी कुल छात्रों के आधार पर दूसरी छोर से स्थान ज्ञात करना, और अब टाइप नंबर तीन है अपनी स्थान परिवर्तन पर आधारित प्रश्न। देखो एक बार सभी, टाइप को नाम है स्थान परिवर्तन पर है आधारित प्रश्न। इसमें दो व्यक्तियों के स्थान बताएगा दो साइड से, और फिर आपस में दोनों व्यक्ति अपने स्थान क्या करेंगे, बदलेंगे, और स्थान बदलने के बाद आपको कुल छात्रों की संख्या पूछ सकता है, मध्य के छात्र पूछ सकता है, या किसी व्यक्ति का दूसरे सिरे से स्थान पूछ सकता है। एक बार सभी को इधर देखना है, देखो प्रश्न कैसे आता है इसके अंदर। प्रश्न यह है अपना, एक कक्षा में ए का स्थान दाएं से दसवां है, बी का बाएं से पंद्रहवां स्थान है, फिर कहेगा दोनों मित्र अपने स्थान बदल लेते हैं। उसके बाद ए का दाएं से 22वां स्थान हो जाता है, ठीक है। यहां से क्वेश्चन नंबर एक पूछेगा, कक्षा में कुल छात्र कितने हैं। क्वेश्चन नंबर दो, दोनों के मध्य छात्र कितने हैं। क्वेश्चन नंबर तीन, बी का बाएं से नया स्थान क्या है। ये तीन क्वेश्चन बनते हैं इस टाइप में। मैं आपको एक बार तो डायग्राम बना के बताऊंगा, उसके जस्ट बाद आपको बिल्कुल जीरो लेवल का एक ट्रिक है जिसमें आपको 10 सेकंड भी लगेंगे और तीनों प्रश्नों के जवाब आप बिना डायग्राम से भी दे सकते हो। तो पहले तो अपना डायग्राम वाला रूल देखो। देखो सभी, डायग्राम वाला रूल देखेंगे तो ये है डायग्राम। देखो अपना, एक कक्षा में, कक्षा हो गई, उसमें देखो ए का स्थान दाएं से कौन सा, दसवां। देखो पंक्ति में विद्यार्थी दो प्रकार से बैठ सकते हैं, कितने प्रकार से, दो प्रकार से, एक तो सीधे और एक क्रॉस में। ये बात आप कैसे निर्धारित करोगे कि बच्चे क्रॉस में बैठेंगे या सीधे, इसके लिए मैं आपको दो लाइन लिखवा रहा हूं नोट लगा के, बाद में डायग्राम बनाएंगे। देखो पहले समझो वो लाइन क्या थी। पहली लाइन तो ये है अपनी, जब किसी व्यक्ति के स्थान में या किसी छात्र के स्थान में बढ़ोतरी हो रही हो तो वे सीधी पंक्ति में बैठेंगे। कौन सी पंक्ति में बैठेंगे, सीधी पंक्ति में। अब सुनो, पहले ए का स्थान कौन सा था, दसवां। अब उसके बाद ए का स्थान कौन सा हो गया, बाईसवां। स्थान में वृद्धि हुई या कमी, वृद्धि, बढ़ोतरी हो रही है तो छात्र कैसे बैठेंगे, सीधी पंक्ति में, यानी क्रॉस में नहीं बैठेंगे। दूसरा रूल यह है, ये तो रूल नंबर एक, ये रूल नंबर दो, जब किसी व्यक्ति के स्थान में कमी हो रही हो, क्या हो रही हो, कमी, तब वे छात्र कैसे बैठेंगे, क्रॉस शर्त के आधार पर बैठेंगे। कौन सी शर्त के आधार पे, क्रॉस शर्त के। अब देखो पहले एक का स्थान कौन सा, दसवां, और स्थान बदलने के बाद अगर एक का स्थान आ जाए पांचवां, तो स्थान में वृद्धि हुई या कमी, कमी, तब वे छात्र कैसे बैठते, क्रॉस में।
तो देखो शाबाश एक बार है, इसमें कौन सा रूल लगेगा, एक नंबर या दो नंबर? एक नंबर रूल लगेगा, शाबाश। हल करते हैं, देखो ये एक पंक्ति, ये पंक्ति का कौन सा राइट है और ये कौन सा लेफ्ट है। अब पढ़ते हैं, देखो एक स्थान दाएं से कौन सा दसवां, यहां बैठा है कौन, ए, उसका स्थान कौन सा दसवां। बी का स्थान बाईं ओर से कौन सा पंद्रहवां, तो देखो ऐसे लिख सकते हैं क्या, इधर से ये पंद्रहवें स्थान पे, इधर से ये दसवें स्थान पे, लिख दिया। अब आप इसको हल करने का प्रयास करोगे तो लास्ट वाली लाइन पढ़ो, देखो उन दोनों ने अपने स्थान बदल लिए, और स्थान बदलने के बाद देखो स्थान बदलेंगे तो ए आठा होगा, बोलो सही है या गलत है, और भी यहां आएगा, आएगा ना। अगली लाइन पढ़ो, स्थान बदलने के बाद ए का दाएं से कौन सा बाईसवां, किधर से दाएं से, तो दाएं साइड तो ये थी, इधर से ए का अब स्थान कौन सा हो गया बाईसवां। ए किसके स्थान पे आया, बी के स्थान पे, तो ए का इधर से कौन सा स्थान हुआ, अरे इधर से कौन सा स्थान हुआ पंद्रहवां, इधर से कौन सा बाईसवां, ए के दोनों तरफ से स्थान आ गए, समझ में नहीं आया, ए के दोनों तरफ से स्थान आ गए। और अगर दोनों तरफ से स्थान आ जाते हैं तो कुल छात्र याद करने का पहले ही लिखाया था ना रूल, दायां प्लस बायां माइनस एक, तो यहां देखो 22 प्लस 15 37, 37 में से एक गया 36, कक्षा में कुल छात्र कितने 36 है। लेकिन सुनो, आपको जब बुक खोल के देखोगे तो इस क्वेश्चन का एक अलग से छोटा सा ट्रिक मिलेगी थाने, क्या ट्रिक है सुनो, देखो यहां लिख देता हूं एक बार, ये है अपनी ट्रिक, जब क्रॉस में छात्र बैठे हो या सीधे छात्र बैठे हो तो कुल छात्र ज्ञात करना को एक रूल है, एक का नया स्थान प्लस दूसरे का पुराना स्थान माइनस एक, ये रूल है, ये रूल थे बनायो है और कड़ी कौन बनायो, देखो नया स्थान ए का और बी का दोनों का स्थान ये तो कौन सा है पुराना, स्थान बदलने के बाद जो स्थान आएगा वो कौन सा है नया, तो नया स्थान किसका ए का, कौन सा जल्दी बोलो बाईसवां, तो एक व्यक्ति कौन था ए, ए का नया स्थान है बाईसवां, दूसरा व्यक्ति कौन था बी, बी का पुराना स्थान है पंद्रहवां और माइनस है एक। अब बताओ इस क्वेश्चन का आंसर, 22 और 15 37, 37 में से एक गया 36, कक्षा में कुल छात्र कितने 36। अब सुनो ध्यान से क्वेश्चन नंबर दो, दोनों के मध्य कितने छात्र बैठे हैं, देखो यहां तक कितने बैठे 10, यहां तक कितने बैठे 15, टोटल बच्चे कितने 36, तो बैठ कितने गए, मैं ये कहूं 15 बच्चे तो इधर बैठने हैं, 10 बच्चे इधर बैठने हैं, कितने बैठ गए 25, और टोटल बिठाने कितने थे 36, तो 25 बैठ गए, 36 बिठाने थे, बचे कितने, तो ऐसे लिख सकते हैं 36 में से कितने गए 25, तो बचे कितने 11, दोनों के मध्य कितने छात्र है 11। अब एक बात बताओ आप, एक लास्ट क्वेश्चन देखो, तीन नंबर है, क्या पूछा है, बी का बाएं से नया स्थान, बी कहां आया, यहां पे, किसके स्थान पे, एक स्थान पे, जो स्थान ए का था वो स्थान अब किसका हो गया बी का, मतलब इधर से बी का स्थान कौन सा दसवां, एक सिरे से बी का दसवां स्थान है तो दूसरे सिरे से बी का स्थान ज्ञात करने के लिए क्या रूल था, दूसरी तरफ से स्थान ज्ञात करने का क्या रूल था, कल बताया था कुल छात्र माइनस
दिया गया स्थान प्लस एक, तो कुल छात्र कितने हैं? 36। बी का एक तरफ से दसवां प्लस एक, देखो 36 और एक 37, और 37 में से 10 गए 27, तो इसका दूसरी तरफ से नया स्थान कौन सा? 27वां। बात क्लियर है? कोई किंतु परंतु? अब सुनो गुरुजी, ट्रिक की है तो वह ट्रिक यह है अपनी, जिसमें आपको पेन टेकने की आवश्यकता नहीं है। देखो सभी एक बार, देखो जब आप यह क्वेश्चन ने हल करांगा तो बिना ट्रिक यानी बिना डायग्राम मात्र 10 सेकंड, सबसे पहले क्या ज्ञात करना है? कुल छात्र, कुल छात्र ज्ञात करोगे। अभी एक सूत्र लिखाया था ने, क्या लिखाया था? एक का नया स्थान प्लस दूसरे का पुराना स्थान माइनस एक। बात क्लियर है? अब सुनो, नया स्थान किसका? ए का। कौन सा? 22। दूसरा 15 माइनस एक, कुल छात्र 36। यह बात तो थाने बेरोही है, क्योंकि सूत्र लिखनो को नहीं, बार बार याद होना चाहिए। एक का नया स्थान दूसरे का पुराना स्थान माइनस एक, नया स्थान ए का पुराना स्थान बी का, और उसमें से क्या कर दो? एक घटा दो। अब सुनो ध्यान से, मध्य के छात्र कौन से छात्र? मध्य के छात्र, मध्य के छात्र ज्ञात करने को सबसे आसान रूल है, दिमाग के अंदर रखियो यह बात है। जिस व्यक्ति के स्थान में जितने की वृद्धि हो रही है या क्या हो रही है? कमी, उस वृद्धि और कमी में से एक घटा लेते हैं। क्या घटा लेते हैं? एक। सुनो देखो, पहले एक का स्थान कौन सा था? पहले ए का स्थान कौन सा? दसवां। अब ए का स्थान कौन सा? 22वां। तो देखो वर्दी कितने की? जल्दी बोलो, वर्दी कितने की? 12 की। मैंने क्या रूल बताया? जितने की वर्दी हो उसमें से एक कम कर लेते हैं। कितना कम? एक कम। तो 12 में से एक गया, कितने बचे? 11। अपना आंसर कितना आए? तो 11। तो मध्य के छात्र कितने? 11। और लास्ट रूल देखो, एक बात और सुनो, ये दो व्यक्ति हैं, एक ए और एक बी। ये ए यहां से यहां जाएगा तब कितने की वृद्धि? 12 की। तो जो बी 8 से 8 जागो तो भी कितने की वृद्धि होगी? आप इस बात को नहीं समझ रहे कि गैप हमेशा समान होता है दो व्यक्तियों के मध्य। सुनो देखो, अगर इसके मध्य ये गैप है तो दोनों के मध्य ये समान है। इसका मतलब एक के स्थान में 12 की वृद्धि तो बी के स्थान में भी 12 की वृद्धि। तो पहले बी का स्थान कौन सा था? जल्दी बोलो, 15वां। और वृद्धि कितने की? 12 की। तो 15 प्लस 12, जल्दी बोलो, 15 प्लस 12 यानी कितने? 27। और आंसर में कितना आया था? 27। तो देखो एक बार दोबारा बोलेंगे सभी, कुल छात्र ज्ञात करने के लिए शाबाश है। एक का नया स्थान दूसरे का माइनस एक, मध्य के छात्र ज्ञात करने के लिए जितने की वृद्धि हो या कमी हो उसमें से एक घटा लेते हैं। और देखो एक व्यक्ति का दूसरे सिरे से स्थान ज्ञात करने के लिए जितने की वृद्धि है उतने ही उसमें वृद्धि होगी, अगर कमी हो रही है तो उतनी ही उसमें कमी होगी। बात क्लियर? एक क्वेश्चन लिखते हैं नेक्स्ट। यह है अपना क्वेश्चन है, पी का स्थान है दाएं से 24वां है, क्यू का बाएं से 22वां है, दोनों अपने स्थान बदलते हैं, उसके बाद क्यू का बाएं से
आठवां स्थान हो जाता है। दोनों अपने स्थान बदल लेते हैं, उसके बाद क्यू का दाएं से कौन सा स्थान हो जाता है? आठवां। तो बताओ कुल छात्र, दोनों के मध्य छात्र और तीन नंबर है पी का दाएं से नया स्थान, दो रूल लिखाए थे आपको, 30 सेकंड का समय दे रहा हूं। देखो, एक तो किसी छात्र के स्थान में वृद्धि हो तो वे क्रॉस में नहीं बैठेंगे, अगर कमी हो रही है तो वो क्रॉस में बैठेंगे। आप डायग्राम से हल कर सकते हो, बिना डायग्राम से हल कर सकते हो। 30 सेकंड का समय दे रहा हूं, सभी करो जल्दी से। बड़ा आसान क्वेश्चन है, अभी एक रूल बताया है, रूल के सिवा कुछ नहीं है इसके अंदर। देखो, मैं आपको दोनों रूलों से बता रहा हूं दोबारा, जस्ट बाद एक क्वेश्चन और करके देखेंगे। देखो सभी एक बार, ये एक पंक्ति है और पंक्ति का ये राइट और ये कौन सा लेफ्ट, मात्र क्वेश्चन पढ़ना है, बाकी कुछ नहीं करना। देखो, P का स्थान दाएं से 24वां, Q का बाएं से 22वां, दोनों मित्र अपने स्थान बदल लेते हैं, उसके बाद Q का बाएं से कौन सा स्थान हो जाता है? आठवां। अब थोड़ी सी देखने लायक बात यह है, देखो नया स्थान किसका? Q का, ठीक है। अगर आप डायग्राम बनाना चाहो तो बढ़ा सकते हो, ना बनाना चाहो तो डायग्राम की कोई आवश्यकता भी कोनी। रूल क्या था कुल छात्र ज्ञात करने के लिए? जल्दी बोलो, एक का नया स्थान प्लस दूसरे का पुराना स्थान, नया स्थान किसका? क्यू का। नया स्थान किसका? क्यू का। कौन सा? आठवां। दूसरा व्यक्ति कौन था? पी। पी का पुराना स्थान 24वां, माइनस एक। बताओ 24 और 8 32, 32 में से एक गया 31, तो कक्षा में कुल छात्र कितने? 31। अब एक बात बताओ, नया स्थान किसका? क्यू का। पहले क्यू का, देखो पहले क्यू का स्थान कौन सा था? जल्दी बोलो, 22वां। अब क्यू का स्थान 8वां, तो यो 22 से 8वें स्थान पे पहुंचा है। स्थान में वृद्धि हुई या कमी? कमी। कितने की कमी? नहीं पता। अरे कितने की कमी? 14 की कमी। और मैं थाने एक रूल बताए तो मध्य के छात्र ज्ञात करने के लिए क्या करोगे? जितने की वृद्धि हो या जितने की कमी हो उसमें से एक घटा लेते हैं, और आज 14 में से एक गयो कै बचा? 13। तो दोनों के मध्य कितने? 13। और लास्ट बात देखो, एक और बताया था, अगर मेरे स्थान में 10 की वृद्धि तो आपके स्थान में भी 10 की वृद्धि, मेरे स्थान में 20 की कमी तो आपके स्थान में भी 20 की कमी। तो सुनो, इसके स्थान में कितने की कमी? 14 की। तो एक व्यक्ति और था, किसका स्थान पूछा? पी का। तो पी के स्थान में भी कितने की कमी होगी? 14 की। तो पी का पहले स्थान कौन सा? पी का पहले स्थान कौन सा? 24वां। कमी कितने की? 14 की। बचे कितने? 10। अब नए सिरे से स्थान कौन सा? 10वां। बात क्लियर है? कोई किंतु परंतु। अगर आप डायग्राम से करो तो आपको पता है स्थान में क्या हो रही है, कमी। तो छात्र कैसे बैठेंगे? क्रॉस में। और जब छात्र क्रॉस में बैठेंगे तो रूल ये लगेगा, देखो किसका स्थान? पी का। किधर से? दाएं से। आठ बैठे हुए पी, आपको स्थान कुल 24वां। और उसके बाद क्यू का किधर से? बाएं से। कौन सा? 22वां।
ये क्रॉस की पोजीशन हो जाती है क्योंकि स्थान में क्या हो रही है, कमी। अब बतायो, देखो सुनो, ये तो प्रारंभिक कंडीशन। अब कह रहा है दोनों मित्र क्या बदल देते हैं, स्थान। स्थान बदलेगा तो यो पी आठ से उठ के आठा होगो, बोलो सही है गलत है, और यो क्यू आठ से उठ के आठा चल जाएगा। यो स्थान अब किसको हो गयो, अरे क्यू का, क्यू आया है यहां पे, और ये स्थान अब किसका हो गया, पी का। अगली लाइन पढ़ लो लास्ट, उसके बाद क्यू का बाएं से कौन सा स्थान हो जाता है, आठवां। किधर से, बाएं से, तो क्यू को बाएं साइड पे जाएगी, बाएं से स्थान कौन सा, आठवां। अब धन रूल लिखाएड़ा है कई, कुल छात्र ज्ञात करने के लिए, दायां प्लस बायां माइनस एक। देखो एक तरफ से चौबीसवां, दूसरी तरफ से आठवां, कुल छात्र ज्ञात करने के लिए 24 प्लस 8 माइनस 1, 32, 32 में से 1 गया 31, तो कुल छात्र कितने, 31। बात करते हैं, देखो कुल छात्र 31 कितने, 31। अरे इस पंक्ति में कुल छात्र कितने, 31। मैं थाने एक बात बताई, जब छात्र क्रॉस में बैठे हों तो कुल छात्र ज्ञात करना रूल बताओगे, याद नहीं है तो मैं बता देता हूं, जब छात्र क्रॉस में बैठे हों तो कुल छात्र ज्ञात करने को यो रूल लिखा है, मैं थाने दायां प्लस बायां माइनस मध्य के छात्र माइनस 2, यो रूल याद रखे। अब देखो ये किसका, कुल छात्र का है ना, तो यहां से मध्य के छात्र आ जाएंगे कैसे, देखो दायां स्थान कौन सा, जल्दी बोलो 24, बायां स्थान कौन सा 22, मध्य में पता है नहीं पता, क्या माने x माइनस 2, और कुल छात्र कितने 31। इसको हल करते हैं, 24 और 22 46, 46 में से 2 गए 44, ऐसे तो प्रश्न बन गया 44 माइनस x बराबर 31, और यह 44 प्लस का आगे जाके माइनस का, बचा कितना भाई 13, कितने बचे 13 माइनस के, और यहां माइनस का x, तो दोनों साइड माइनस है, तो माइनस से माइनस गया x की वैल्यू 13, और x क्या थे मध्य के छात्र, और मध्य के छात्र कितने निकाले थे 13, कोई समस्या। और दूसरी तरफ से इसका स्थान ज्ञात करना है तो आप ज्ञात कर सकते हो, देखो एक तरफ से कौन सा, एक तरफ से कौन सा 22वां, कुल छात्र कितने 31, एक साइड का स्थान घटा दो और प्लस क्या कर दो, एक 31 और एक 32, 32 में से 22 गए कितने बचे, कितने बचे 10, आंसर कितना 10, और 10 ही निकाला था। बात समझ में आई, लिखो एक क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और करते हैं। लिखो एक कक्षा में राम बाएं से 56वें स्थान पे है, मोहन दाएं से 48वें स्थान पर है, दोनों ने अपने स्थान बदले, उसके बाद मोहन दाएं से 64वें स्थान पर हो जाता है, तो बताओ कुल छात्र कितने हैं, दोनों के मध्य छात्र कितने हैं, तीन नंबर राम का बाएं से नया स्थान कौन सा है। मात्र 30 सेकंड का समय दे रहा हूं, सभी करो जल्दी से।
रूल लिखा रखा है आपको, आप रूल को समझो, अपना आंसर आ जाएगा। देखिए एक बार सभी, सभी एक बार इधर देखेंगे दोबारा, जिसने कर लिया वो अपना मैच करेंगे। डायग्राम क्या हो सकता है, डायग्राम की आवश्यकता कहीं नहीं है। कुल छात्र ज्ञात करने के लिए क्या पोजीशन है, एक का नया स्थान, दूसरे का पुराना स्थान, माइनस एक। नया स्थान किसका, नया स्थान किसका, मोहन का। तो देखो मोहन का नया स्थान प्लस राम का पुराना स्थान माइनस एक। तो मोहन का नया स्थान कौन सा, 64 है, प्लस राम का पुराना स्थान है 56 है, माइनस एक। 60 और 60 120, 119 क्या। तो कक्षा में कुल छात्र कितने, 119। ध्यान देना कितना टाइम लगता है। दूसरी पोजीशन समझो, देखो पहले मोहन का स्थान कौन सा था, पहले मोहन का स्थान कौन सा, 48। अब स्थान हो गया कौन सा, 64। तो देखो कितने की वृद्धि हुई, 16 की। रूल क्या कहता है, जितने की वृद्धि हो उसमें से एक घटा लेते हैं, और 16 में से एक गया तो 15। यानी क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है, दोनों व्यक्तियों के मध्य कितने छात्र है, 15। अब सुनो, मेरे स्थान में 16 की वृद्धि, तो मैं जिसके स्थान, जिसके साथ स्थान बदलूंगा उसके स्थान में कितने की वृद्धि, 16 की। तो बताओ देखो मैंने किसके साथ स्थान चेंज किया, राम के। तो राम का पहले स्थान कौन सा, 56 है, वृद्धि कितने की, 16 की। तो देखो रूल बन गया 56 प्लस 16 कितने रहे, 72। तो इस राम का बाएं से नया स्थान कौन सा बेहतर हुआ। अब कहूंगा गुरु जी डायग्राम बनाओ, तो एक बार फिर देख लो। देखो स्थान पहले कौन सा, 48 है, अब कौन सा, 64 है, वृद्धि या कमी, 48 से 64 वृद्धि या कमी, वृद्धि। तो छात्र कैसे बैठेंगे, सीधी पंक्ति में, वेरी गुड, सीधी पंक्ति में बैठेंगे। तो देखो राम यहां से बैठा है यहां पे, इसका स्थान कौन सा, 56, और इधर बैठा है कौन, मोहन, उसका स्थान कौन सा, 48। दोनों मित्रों ने क्या किए, स्थान बदल लिए, और स्थान बदलेंगे तो 8 तो कुना जागो राम और 8 है मोहन। बात कंप्लीट, उसके बाद पढ़ो, उसके बाद मोहन दाएं से कौन सा हो गया, 64। किधर से, दाएं से। देखो पहले मोहन यहां था तब तो 48, अब इधर से ये यहां आ गया तब कौन सा हो गया, 64। ऐसे ही तो देखो इधर से मोहन का स्थान कौन सा, 64 है, इधर से मोहन का स्थान 56। कुल छात्र ज्ञात करने को रूल है, दायां प्लस बायां माइनस एक। तो 64 और 56 120, 120 में से एक गया 119, इतना ही तो निकाला था। अब सुनो मध्य के छात्र, मध्य के छात्र ज्ञात करने का कई रूल हैं, थार समझ में आओ भैया कर लियो। 8 तक कै टावर बैठा, 48। 8 तक कै बैठा, 56। कितना बैठा, 56। टोटल कै टावर बैठा, 119। तो सुनो 119 बच्चों को बिठाना था, यहां तक कितने बैठ गए, 48। यहां तक कितने बैठ गए, 56। टोटल बैठ कितने गए, 104। वेरी गुड, 104 छात्र बैठ गए। तो बचे कितने, 15। तो मध्य में कितने निकाले थे, 15। बात क्लियर। अब बैक बाद की कहानी यह है, देखो किसका स्थान पूछा, राम का, किधर से, बाएं से। तो राम का बाएं से स्थान, राम यहां गया, इधर से राम का कौन सा स्थान है, 48। कुल बच्चे कितने, 119। 119 बच्चों में राम एक साइड से 48 है, तो दूसरी साइड से स्थान ज्ञात करने का रूल है, कुल बच्चे माइनस राम का स्थान प्लस एक। तो देखो 120 में से 48 गए तो कितने, 72।
तो इसका स्थान कौन सा बेहतर है, यही तो निकला था। ठीक है, ये थी अपने टाइप नंबर 3, स्थान परिवर्तन पर आधारित प्रश्न। नेक्स्ट टाइप करेंगे नेक्स्ट क्लास में।